हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में भारत के द्वीप समूह को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पढ़ चुके हैं। अब भारत के जो अन्य मुख्य द्वीप हैं उनके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है न्यू मोर द्वीप। जो न्यू मोर द्वीप है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में है और यह भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, ठीक है। और यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था, लेकिन प्रेजेंट में यह द्वीप डूब चुका है और डूबने की वजह से जो विवाद है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। और इस द्वीप को पूर्वाशय का मतलब होता है पूर्व की आशा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि न्यू मोर कहाँ पड़ेगा, ईस्ट में पड़ेगा, तो ईस्ट में होने की वजह से क्या कहते हैं, पूर्व यानी कि ईस्ट, और शाह का मतलब है आशा, तो पूर्वाशय के नाम से जाना जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, भारत बांग्लादेश की सीमा पर है। इस मैप में आपने देखना है कि यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे न्यू मोर ये द्वीप दिया हुआ है जो कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। अगला द्वीप है आपका विहल द्वीप। जो विहल द्वीप है इसको हम एपीजी अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितनी भी मिसाइल लॉन्च की जाती हैं वो आपकी यहीं से की जाती हैं, इसलिए एपीजी अब्दुल कलाम की मृत्यु के बाद इसे एपीजी अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ये द्वीप उड़ीसा के पारादीप के पास पड़ता है और यहीं से भारत की जितनी भी मिसाइल लॉन्च की जाती हैं वो यहीं से की जाती हैं, इसलिए इसे एपीजी अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी प्रेजेंट में जाना जाता है। आप इस मैप में देखेंगे ये न्यू मोर द्वीप था और इसके नीचे आप नीचे देखना ये विहल द्वीप है और जो कहाँ पे पड़ रहा है आपके उड़ीसा में है और यहीं पर पारादीप है, ठीक है। तो यहीं से आपकी मिसाइल लॉन्च की जाती हैं। अगला है आपका श्री हरिकोटा द्वीप। ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के पास में है, ठीक है। आप मैप में भी देखेंगे, अभी दिखाऊंगी मैप में, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है और यह आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक झील है पुलिकट झील। मैंने आपको लेक्स करा चुकी हूँ, पहली वीडियो देख सकते हैं, तो पुलिकट झील के किनारे ही आपका क्या है, श्री हरिकोटा द्वीप है और यहीं पर भारत का सैटेलाइट या उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जितनी भी सैटेलाइट हैं वो आपकी श्री हरिकोटा से क्या की जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। आप इस मैप में देखना यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, इसकी बाउंड्री पर ये श्री हरिकोटा द्वीप है और जो यहाँ पर ही आपकी पुलिकट झील है, ठीक है। अगला है आपका पंबन द्वीप। ये जो पंबन द्वीप है इसे रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं और ये कहाँ पड़ेगा आपका, तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु के पास में, भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। और ये जो पंबन द्वीप है इस पंबन द्वीप में ही ये जो शुरू होता है पंबन द्वीप, ये धनुषकोडी से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि पंबन द्वीप कहाँ से शुरू होता है, तो ये धनुषकोडी से स्टार्ट होता है, ठीक है। और पंबन जो द्वीप है यहाँ पे धनुषकोडी से स्टार्ट होता है और जो पंबन चैनल है, पंबन द्वीप के पास ही पंबन चैनल है और पंबन चैनल में ही कोकोडाइल द्वीप पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ेगा, भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ेगा। आप इस मैप में देखिए, ये भारत और श्रीलंका का मैप है, इसके बीच में पंबन द्वीप है और पंबन द्वीप के पास पंबन चैनल है और यहीं पर ही कोकोडाइल द्वीप पड़ता है और पंबन द्वीप को हम क्या कहते हैं, रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका एडम ब्रिज। एडम ब्रिज को राम सेतु के नाम से जाना जाता है और इसे कहते हैं, जो एडम ब्रिज है जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि भगवान श्री राम ने इसको बनाया था जब सीता को सीता को रावण लेके चला जाता है, तो सीता को लाने के लिए भगवान श्री राम ने एडम ब्रिज पुल का निर्माण कराया है। माना जाता है कि यहाँ पे बहुत वाइट कलर के सुंदर सुंदर पत्थर है, अगर उन पत्थर को नाव के अंदर रख लिया जाए तो नाव डूब जाती है, ऐसा माना जाता है।
मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है ये, तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर जगह मानी जाती है कि राम सेतु, लेकिन कहते हैं कि ये वहाँ पे अब इतनी अच्छी जगह नहीं रही है जो पहले थी, क्योंकि जो नेचर है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। तो ये जो एडम ब्रिज का पुल पड़ेगा, जिसे राम सेतु भी कहते हैं, ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य है, ये ध्यान रखना। ये आप देखते हैं, यहाँ देखेंगे, मैप में भी दिखाऊंगी, ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य है। दूसरी चीज, जो सेतु समुद्रम परियोजना है, सेतु समुद्रम परियोजना आपकी एडम ब्रिज पुल को तोड़कर बनाने की है। ये सेतु समुद्रम परियोजना है, इसे भी मैं भी बताऊंगी। यह भौगोलिक रूप से भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, यानी कि जो एडम ब्रिज का पुल है वो भौगोलिक रूप से भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडम, ये जो आपकी सेतु समुद्रम परियोजना है, ये क्या है। सेतु समुद्रम परियोजना का मतलब क्या है कि आप इस मैप में देख रहे हैं, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ भारत है, और ये बीच में आपका क्या है, एडम ब्रिज है ना, एडम ब्रिज है। अब क्या होता है कि अगर बांग्लादेश से या हमारे पश्चिमी बंगाल से या उड़ीसा से कोई बड़ा जहाज जाना है गुजरात को, इधर आपका गुजरात जाना है, तो हम श्रीलंका की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए गुजरात में जाएंगे। जब श्रीलंका की बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो हमें क्या है, शुल्क श्रीलंका को भी देना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र पर जो जिसके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है वहाँ उसका अधिकार भी है, तो वहाँ शुल्क अदा करना पड़ता है। लेकिन अगर सेतु समुद्रम परियोजना बन जाती है, तो सेतु समुद्रम परियोजना कैसे बनेगी, एडम ब्रिज पुल को तोड़ के बनेगी। तो जो बड़े जहाज हैं, बड़े जहाज आने के लिए क्या चाहिए, पानी की गहराई चाहिए, तो बड़े जहाज निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटे जहाज तो निकल जाते हैं, बड़े जहाज नहीं निकल पाते। तो भारत का ईस्ट से वेस्ट की ओर और वेस्ट से ईस्ट की ओर व्यापार करना समुद्र के द्वारा आसान हो जाएगा, इसलिए सेतु समुद्रम परियोजना बनाई जा रही है। क्योंकि भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा तो शुल्क जो दिया जाएगा वो भारत को दिया जाएगा, अन्य किसी देश को नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए सेतु समुद्रम परियोजना बनाने की बात चल रही है। लेकिन ये परियोजना अभी बनी नहीं है, क्योंकि विवाद का कारण है। विवाद के कारण के पीछे रीजन यही है कि ये माना जाता है कि जो एडम ब्रिज पुल है भगवान श्री राम ने बनाया है और ये श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहीं पर आपकी सेतु समुद्रम परियोजना है। अगला है आपका वेलिंगटन द्वीप। ये जो वेलिंगटन द्वीप है, ये आपके वेलिंगटन द्वीप कोच्चि के निकट पड़ेगा, ठीक है, कोच्चि के निकट पड़ेगा। और इस वेलिंगटन द्वीप में ही नेवी का मुख्यालय है, नेवी का मुख्यालय आपका यहीं पर है। और अब तो ये आपके जो नेशनल हाईवे है वो चेंज हो गए, इसलिए इसे यहाँ आप कैंसिल कर देंगे। जो नेशनल हाईवे, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे था 47A, वो आपकी वेलिंगटन द्वीप में था, जो कि 6 किलोमीटर का था, लेकिन अब ये डाटा चेंज हो चुका है, क्योंकि सारे नेशनल हाईवे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो जो वेलिंगटन द्वीप, आप इस मैप में देखना, वेलिंगटन द्वीप आपके कोच्चि के निकट पड़ेगा और यहीं पर नेवी का मुख्यालय है, ठीक है। अब है आपका सॉल्सेट द्वीप। जो ये सॉल्सेट द्वीप है, सॉल्सेट यानी कि जो मुंबई और ठाणे हैं वो सॉल्सेट द्वीप पर बसी हुई है, ठीक है। मुंबई कहते हैं कि मुंबई 7 द्वीपों पर बसी हुई है, ठीक है। और उसमें से ये क्या है, सॉल्सेट भी एक द्वीप है। और जो सॉल्सेट द्वीप को ये माना जाता है, यह दुनिया का तीसरा बड़ा द्वीप है, बसा हुआ द्वीप है, यानी कि जिस पर जनसंख्या रहती है वह तीसरा बड़ा द्वीप है, वो कौन सा है, सॉल्सेट है। और कहाँ पर है, ये मुंबई में और ठाणे में सॉल्सेट द्वीप बसी हुई है, यानी कि सॉल्सेट द्वीप पर ही मुंबई और ठाणे बसा हुआ है, ठीक है। आप इस मैप में देखेंगे, यहाँ पे आपने देखा ये 7 द्वीप दिए हुए हैं, ये कहते हैं इन 7 द्वीपों पर ही आपका जो मुंबई है वो बसी हुई है, ठीक है। अब आपका अगला है एलिफेंटर या धारापुरी द्वीप। ये एलिफेंटा या धारापुरी जो द्वीप है, ये पड़ेगा महाराष्ट्र के रायगढ़ में, है ना। और ये जो एलिफेंटा है, इसे गुफाओं का स्थान भी कहते हैं, ठीक है। आप इस मैप में देखना, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ में है और इसे गुफाओं का स्थान भी कहते हैं, ठीक। अगला है आपका अंजी द्वीप। ये जो अंजी द्वीप है, ये गोवा में है, आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये अंजी द्वीप दिया हुआ है और ये कहाँ पड़ता है, ये गोवा में पड़ता है। अगला है पारादीप। ये जो पारादीप है, ये कहाँ पड़ेगा, ये उड़ीसा
कि चिल्का झील के निकट पड़ेगा, है ना। अभी हमने विहल द्वीप पढ़े था, विहल द्वीप किसके निकट है, पारादीप के पास है, तो ये यहीं पर चिल्का झील है, ठीक है। यहाँ पे चिल्का झील है, तो ये आपका पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में पड़ता है, चिल्का झील के निकट पड़ता है। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे चिल्का झील है, चिल्का झील के पास ही आपका पारादीप है। अगला है श्री रंगपट्टनम द्वीप। ये जो श्री रंगपट्टनम द्वीप है, यह एक नदी द्वीप है, और कौन सी नदी पर है, यह कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में, ठीक है। और जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान ने श्री रंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो यह एक नदी द्वीप है, ठीक है। और ये जो नदी द्वीप है, आप इस मैप में देखना, ये नदी द्वीप है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है, और टीपू सुल्तान ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं। अगला है थुम्बा। थुम्बा जो द्वीप पड़ेगा, ये पड़ेगा केरल में, ठीक है। और जो आपके भारत के जो रॉकेट हैं, रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं, वो आपके यहीं से किए जाते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं, थुम्बा द्वीप है, और ये कहाँ पर है, आपका केरल में है, ठीक। अगला है आपका मांजुली द्वीप। जो मांजुली द्वीप है, वह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और जो कहाँ पर है, यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे पड़ेगा, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है, ठीक है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी आते हुए यहाँ बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और यहाँ पे असम में ये आपका मांजुली द्वीप है, ठीक है। अगला द्वीप है आपका फुलटा द्वीप। जो फुलटा द्वीप है, ये कहाँ पर है, आपका बंगाल की खाड़ी पर है, है ना, बंगाल की खाड़ी में है, और हुगली नदी के मुहाने पर पड़ता है, है ना, ये हुगली नदी के मुहाने पर पड़ता है। आप इस मैप में भी देखना, ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर हुगली नदी है, और इसी के किनारे जो है आपका फुलटा द्वीप है। अगला है आपका कारुम्भर, ठीक है। कारुम्भर, खादिर, वेदा, बेला, नोरा, ये सारे के सारे गुजरात के रण के कच्छ में अवस्थित हैं, है ना। आप इस मैप में देखना, ये कारुम्भर है, खादिर है, ये वेदा है, ये बेला है, ये नोरा है, तो ये सारे के सारे द्वीप कहाँ पड़ेंगे, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में ये सारे के सारे द्वीप पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये भारत के मुख्य द्वीप हैं, ठीक। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसा कोई भी नहीं, मैंने अननेसेसरी कुछ भी नहीं दिया है। ये सारे के सारे द्वीप एक एक करके बहुत अच्छे से याद करिए, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है।